फाइनली फाइनली इतने सारे कमेंट्स आए आपके कि भैया अपना होम टूर कर दो, पूरा घर तो दिखा दो, लेकिन हम क्या करें यार, बड़े मजबूर थे, कभी कोई काम पेंडिंग, कभी कोई काम पेंडिंग, अभी भी पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी काम है पेंडिंग है यार, लेकिन क्या करें भैया, ये काम तो कभी खत्म ही नहीं होने को आ रहा। वो एक वो मीम चलता है ना, ये कष्ट कब खत्म होगा रे, नहीं बड़े कष्ट नहीं है, ये कब खत्म होगा रे, जल्दी कष्ट नहीं है, ऐसी कैसी वजह थी, बोलो ना यहाँ जाना है, वो लेने जाना है, सब चलता रहेगा, कोई बात नहीं, हमने बड़ी खुशी से की है सारी चीजें, कष्ट तो ठीक है। फाइनली गाइस हमारा वो टाइम आ चुका है, आपको हम अपना पूरा होम टूर एक एक चीज डिटेल में दिखाने वाले हैं। कुछ कुछ काम अभी भी पेंडिंग है, तुझे कहाँ पहुंचना है बता, भगे जा रहा आगे। तो गाइस यार स्टार्ट करते हैं बाहर के एरिया से, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेन तीन चार चीजें। अच्छा, पहली बात तो मुझे लिफ्ट दिखा दो भाई साहब, ये हमारी लिफ्ट है और यहाँ से पहले नहीं थी, और यहाँ पर फिर है हमारी प्रेस वाला, यहाँ पे हम कपड़े प्रेस करते हैं, कपड़े प्रेस करते हैं यहाँ पर, तो ये है कपड़े प्रेस वाला एरिया, पूरा दिखा दिया हमने, वो करके भी दिखा रहे हैं। ओके, प्रेस करके डेमो भी दे देना भाई। ठीक है। और फिर यहाँ से गाइस आप देख सकते हो, ये हमारी विंडो हमने रखी है, और विंडो इसलिए रखी है थोड़ी सी नेचुरल लाइट लाने के लिए, और ताकि हम देख पाए कि बाहर से कौन आने वाला है, बाहर से कौन आ रहा है, और कई बार हमारा बोलना कि नहीं बोलना, और कई बार हमारे को चोर एंट्री भी बना देते हैं, हम यहाँ से खुद भी चले जाते हैं। ये लोग गए हैं, तो अब बारी आ चुकी है हमारे मेन डोर की, मतलब की बात बताओ, ये घर हमने पूरा घर लॉक किया, और उसके बाद बोला घर तो लॉक है, ऊपर आए चाबी नहीं थी, श्याम कहता मम्मा ये ट्राई करो किसकी खिड़की खोली थी, मुझे पता ही था, कोई बात नहीं, इसका भी मैं जुगाड़ देखूंगा, बाहर से हमने लगाई सेंसर वाला लॉक, खड़ा गया, ओपन द डोर, अनलॉक, तो डोर ओपन हो गया है हमारा, इस सेंसर से ऐसे हम यहाँ से दबाते हैं इसको, अनलॉक हो जाता है। वेलकम गाइस, और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी ये वाली एंट्री गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से, ये बाबा जी की फोटो जो कि हमारे बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे है, और मेन एंट्रेंस पे हमारी सबसे जो बेस्ट एरिया है हमारा, इधर ध्यान कह रहा है साइड हो जाओ, पूरा दिखता है, सबसे बेस्ट एरिया इसके ऊपर, पापा के सर से कुछ इंच ऊपर है ये शैंडलियर, शैंडलियर हमारा सबसे सुंदर शैंडलियर, एक फीट नहीं यार, हम आपको गाइस टोटल तीन शैंडलियर दिखाने वाले हैं, आपने डिसाइड करना है क्या, चार ठीक है, चार दिखाने वाले पांच, आपने डिसाइड करना आपको सबसे बेस्ट शैंडलियर कौन सा लगा, तो इस शैंडलियर को बोला जाएगा बाबा जी वाला शैंडलियर। यहाँ से हमारा आउटडोर का भी व्यू है, हमारा पीछे गार्डन का है, तो गार्डन हमारा यहाँ से ग्रीनरी लुक पीछे है, और लेट्स मूव टू नेक्स्ट, ओके, ग्रीनरी हम मिस नहीं कर सकते क्योंकि फार्म से हम ग्रीनरी हमने साथ लेकर आए हैं, फार्म हाउस से हमें इतनी आदत पड़ गई थी ग्रीनरी की, तो अब बारी आ चुकी है हमारे ड्रॉइंग रूम की, जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा ड्रॉइंग रूम का शैंडलियर है ये, तो शैंडलियर नंबर दो आपने देख लिया है, कमेंट करते रहना, हमारे यहाँ पे हमारा टीवी लगा हुआ है, बहुत बड़ा सा टीवी, 85 इंचेस टीवी, एंड देन वी हैव ड्राइंग रूम में हमारी हाईलाइट है, आप सबके प्यार की वजह से ये वॉल बन पाई है गाइस, थैंक यू सो मच अगेन, एंड देन गाइस इस वॉल की हाईलाइट है सबसे बीच में, हमने आपको इतनी बार थैंक्स बोला इसके लिए, और वो बहुत कम है, जितना ज्यादा थैंक्सफुल उतना कम है, ऐसे ही हमें प्यार करते रहो, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहो, हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो यार, लाइक परसेंटेज बहुत कम है यार, पढ़ा दो, और ये आप देख सकते हो हमारे बॉस की चेयर, एंड रेक्लाइनर, हमारा रेक्लाइनर ये पूरा ऐसे हो जाता है, लेट जाता है, डेमो कहाँ चली गई, कहाँ भाग गई, तो अब बारी आ चुकी है नेक्स्ट रूम में चले, सोफे दिखाओ, अच्छा हाँ ये दिखाओ, हाँ ये भी है यार, हाँ सुंदर की मेहनत करके बनवाया है यार, हाँ ये देखो हमारा इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल सेंटर टेबल, पता देख सकते हो, ये पूरा ऐसे है, इसके अंदर ऐसे, और ये इसके अंदर ऐसे रिमोट पाया हुआ, ये देखो धक्का दे दो इधर, ठीक है, ये हमारा दो पीस के अंदर आता है,
अगर हमें इसको अलग अलग यूज करना है अलग अलग इसके मैचिंग पैटर्न में ये सोफे बनाए हैं। हाँ हमारे सोफे की थीम चल रही है हमारे घर में इस टाइम, पूरी थीम टीवी वाली हो गई है, पूरी थीम चल रही है और दो हॉर्सेस हमने यहाँ बिठाए हैं गुड लक के लिए, तो ये हमारे घर पे पूरे नजर रखते हैं और ब्लेस करते रहते हैं। और एक और शैंडलियर है, शैंडलियर नहीं ये लाइट है, शैंडलियर नहीं हमारे पंखे में, पंखा तो दिखाई नहीं है, सर ये ऑन करना पड़ेगा। हाँ मैं ऑन कर देता हूँ अभी, ये देखो गाइस यार यहाँ से पंखे के अंदर जो लाइट जलती है ये बहुत सुंदर लगता है रात को। ये हमारा पंखा है, इसके अंदर लाइट भी जलती है और ये पंखा है। क्या बात है, नई बात बताइए मुझे, एक नई बात बोलिए मैंने, चार्ज है, क्या बात है, चार्ज है और चलने तो हवा भी आती है, हवा भी आती है, बहुत हमारा रिमोट से चलता है। और ये जो हमारी घड़ी है ये बहुत ही अब सुंदर है, यस हमारी घड़ी भी दिखा दो भैया, ये घड़ी हमारी, हमारे को एक स्पेशल गिफ्ट मिली थी ये घड़ी, थैंक यू, बहुत प्यार से दी थी, बहुत प्यार से दी थी, थैंक यू सो मच, जो बिल्कुल हमेशा सही वक्त दिखाती है, क्योंकि वक्त बंदे का हमेशा सही रहना चाहिए। सही वक्त दिखा दिया, तो अगर आपका ड्रॉइंग रूम हो चुका आगे बढ़े, हाँ चलो चलो आओ जी आओ आगे बढ़ जाओ, ये आ गया हमारा डाइनिंग रूम, एक टाइल आगे आगे आप सीधा ड्राइंग रूम में एंटर हो गए हो, और हमारा शैंडलियर नंबर 3 डाइनिंग रूम शैंडलियर, तो डाइनिंग टेबल आपने हमारा देख ही लिया है, ये हमारा व्हाइट प्योर ऑनिक्स, पता नहीं ओरिजिनल ऑनिक्स क्या बोलते हैं, तो ये इसकी आपको बेस हम दिखाएंगे, ये भी पूरे थीम के अंदर बेस है गाइस, जैसे आपने हमारा सोफा देखा है, सोफे की बैक, अरे सोफे की बैक तो दिखाई नहीं भाई, सोफे की बैक दिखा दो यार, क्या बात है, ये सोफे की बैक है हमारी, पूरे थीम के अंदर बैक है, और हैंगर गाइस एक और चीज है थीम में, थीम में ये भी टेबल भी है पूरा आ गया था, टीवी यूनिट, टीवी यूनिट दिखा दिया था उसके नीचे, और ये है क्रॉकरी यूनिट, टडन दिखाओ भैया क्रॉकरी यूनिट, कैमरा मैन आप इधर से आ गए, ओह सॉरी सुनो, यहां भी कैपल, यहाँ बहुत सुंदर सुंदर क्रॉसरी ऑल डिस्प्लेड, एंड अभी भी बहुत सारी जगह है, तो सोचो इसको भरना पड़ेगा, ठीक है यार, ओके okay, तो और जरा बता जरूर देना हमारी सेटिंग कैसी लग रही है आपको, ये बताना जरूर, 1 2 3 क्लोज, एंड देन गाइस एक और चीज, यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट है ये मैग्नेट्स, इसके लिए बहुत मजा आता है, अब हमारी जो मेन वॉल है जो कि हमारे नाम से आपने पहले भी देखी होगी, ये देखो ये हमारी कोबरा चेयर्स पे बैठ गए गाइस, देख रहे हो आप ये सांप, ये हमारी कोबरा चेयर, एक बार खाली तो दिखा देंगे कोबरा चेयर से, आन क्या बात है, ठीक है, तो अब गाइस अब हमारा ड्राइंग रूम खत्म, अब सबसे पहले किसका कमरा, चलो गाइस यहाँ आ जाते हैं, अब चलो भैया अनन्या के रूम में घुस गए हैं हम, तो गाइस ये है मेरा वन ऑफ द बेस्ट रूम्स इन द होल वर्ल्ड गाइस, माइंड यू वन ऑफ द बेस्ट नॉट द बेस्ट, यस वन ऑफ द बेस्ट, सारे बेस्ट है, कमेंट आपने करके बताना है कि कौन सा बेस्ट है, तो गाइस मेन पार्ट है मेरा बेड व्हिच इज अल्ट्रा ब्यूटीफुल एंड द बेस्ट बेड एवर, एंड गाइस अल्ट्रा ब्यूटीफुल अल्ट्रा क्या बात, यस एंड अब ये है मेरा ड्रेसर, दिखाओ भैया अपने से दिखा दो इनका, इसमें इसको छोड़ो गंदा है, यहाँ पे हल्का ये है गाइस मेरा फेवरेट परफ्यूम, एंड दिस इज द फेवरेट, दिस इज द फेवरेट, दिस इज द फेवरेट, दिस इज द फेवरेट, एंड दिस इज द फेवरेट, सारा फेवरेट, आई लव दिस ड्रेसर एरिया, कुछ हमारे काम अभी भी पेंडिंग है, इसका हमने ये शटर बनवाया था, कुछ प्रॉब्लम आ गई उसके अंदर, तो कंपनी वॉज गुड, उन्होंने ये शटर वापस लेके गए हैं, वो नया बना के ला रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम, बट ये देख सकते हो आप इसकी यही लुक आएगी, yes, यहाँ पर जैसा ये है वैसा यही लुक यहाँ पर भी है, और फिर यहाँ पे आता है मेरा बाहर का गार्डन व्यू, ग्रीनरी व्यू ब्यूटीफुल व्यू यार, वेरी ब्यूटी, इतना सुंदर लग रहा है यार, बहुत
कुछ नहीं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे रुको ना, मैं विंडो पे थी। तो फिर गाइस यहाँ पे विंडो में दो दो लेयर्स है हमारे कर्टन्स की, ये है डे लाइट के लिए, जब आपको डे लाइट चाहिए सब सिर्फ देखकर से, मतलब बाहर ठंड मतलब ठंड है और अक्सर धूप चाहिए अंदर आने के लिए रोक सकते हो। एंड रात को दिस विल गेट क्लोज्ड एंड देन ये सेम वहां से हो जाएगा एंड दिस इज सिमेट्रिकल पैटर्न, सो दिस दिस लुक्स वेरी नाइस। अरे बेचारे क्राउन की बात कोई करेगा कि नहीं करेगा, इतनी मेहनत लगी है हमने, इतनी प्लानिंग करी है क्राउन बनाने की, ये हमारी प्रिंसेस का क्राउन है, दिखाओ भैया। मैंने कहा ये ताज में ये कमी है, इसको पूरा कर, ये कमी है पूरा कर, और इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। प्रिंसेस का क्राउन दिखाओ भैया। और इतनी सुंदर लेयरिंग है विच इज अ परफेक्ट मैच विद द पर्सनालिटी फॉर द पर्सन, तालियां। भाई साहब ये पीछे का भी दिखा दो, ये पूरी अलमारी इस पे इतनी मेहनत लगी है, कैमरा मैन ये दिखाओ प्लीज, ये भी दिखा दो भाई की पूरी लुक यहाँ से कैसी आ रही है। जी, वो जगह बैठने के लिए नहीं है, दैट्स अ स्टडी टेबल और इस पे किताबें रखी जाती हैं, इसमें नाना बैठ के पढ़ाई करती है। ये सारे शेल्फ्स हैं जो कि खुलते भी हैं। इट इज ऑल स्टोरेज फॉर द स्टडी पर्पस। लेट्स गो टू श्नायाज रूम। तो ये है ग्रैंड एंट्री टू श्नायाज रूम। गाइस को देंगे हम थर्ड बेड। अच्छा गाइस, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट, मींस दिस इज द बेस्ट रूम। करेक्ट करके ये लड़की करेक्ट करके। सो गाइस मेरा बेड ये है बटरफ्लाई बेड एंड अभी इसमें एंटीनास लगने बाकी है। कुछ कुछ काम पेंडिंग है, इसके अंदर अभी ऐसे ट्यों करके एंटीना लगेंगे जो कि आपने बटरफ्लाई की देखते क्या बोलते हैं उसे, एंटीनास, एंटीलोप, पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं, एंटीलर्स। हां इंग्लिश भाई थोड़ी मेरी टाइट है। अच्छा ओके। एंड गाइस ये है मेरी अलमीरा। हां ये है अलमीरा, इसके अंदर लाइट भी चलती है, लाइट भी चलती है, दिखा देते हैं। हल्की सी गंदी है लेकिन कोई बात नहीं। एंड ये है मेरे शटर्स जिसके अंदर अभी हमने थोड़ा सा सामान डाल लिया है। ये सारे शटर्स खुलते भी हैं और मजे की बात है बंद भी होते हैं, मतलब ये एक नया चैलेंज था हमारे लिए कि इसको किसी तरह बंद भी करें, खुल तो सारे इजीली जाते हैं। ये है मेरा स्टडी टेबल जिसमें ये बुक स्टैंड है, स्टडी टेबल विद बुक स्टैंड। बुक स्टैंड दिखा दो यार, कितना हाईली ऑर्गेनाइज्ड है यार शनाया का। ओके एंड दिस इज माय कर्टन्स, these are called day curtains, these are day curtains and night curtains, my night curtains। चलो शनाया अपना व्यू तो दिखा दे, जो बेस्ट पार्ट है तेरे रूम का, जाके बाहर जाके व्यू दिखा दे। ओके गाइस व्यू दिखो, क्या व्यू है भाई साहब। इस हाईलाइट इस घर की एक ही है जो शनाया के पास है, जो कि इस रूम की बालकनी। ओके ये सिर्फ और चीज दिखानी है मेरे को, सिर्फ इस रूम में बालकनी है, हमारे और किसी रूम में बालकनी नहीं है। यस एंड मेरा मेरे रूम में मेरा अलग वॉशरूम है एंड बाकी अनान्या से आपके रूम में नहीं है। सो दिस इज माय वॉशरूम, इसकी लाइट भी चला देते हैं। ओके वॉशरूम गाइस, एक्सक्लूसिव वॉशरूम फॉर शनाया। यस ठीक है भाई, मेरा ड्रेसर है, आ जाओ भैया, ड्रेसर तो रह गया शनाया का, ड्रेसर मेरे बैग्स हैं, मैंने वो नहीं रखा, मैंने बैग रखा। वी गेट ड्रेस, ड्रेस ड्रेस में आप क्या कर लोगे बैग के साथ, वो उनको डिसाइड करने दे किसका बेटर है, किसका रूम बेस्ट लग रहा है, आप कमेंट करके बताना, इसको भी पता चल जाए और शनाया को भी कि बाकी किसका सुन। अब चलते हैं किसकी रूम में, सियान में, उसको रहने तो हम चलते हैं। ओके तो आ गया है सियान का रूम, सियान सबसे हाईलाइट दिखाऊंगा मैं, ये है सियान, टैन टैन ये देखो सियान भैया, इस पे तो फोटो बनती है ना, हट जा तू स्पॉइल कर दी फोटो। क्या बात है यार, ये ज्यादा बेटर है, क्या बात है गाइस, कमेंट करके बताना आपको ये सियान की लुक कैसे लगी। सियान कैन यू वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन योर रूम, या दिस इज माय स्टडी थिंग्स, दिस इज माय अलमीरा। हाँ इसका भी गाइस ब्रोकन, इसका भी शटर खराब हो गया था, तो इसका और अनान्या का एक एक शटर गया है रिप्लेस होने,
और ये है शूज कलेक्शन बॉस की, देख सकते हो आप जबरदस्त कलेक्शन। इधर भी कपड़े और इधर भी थोड़े से कपड़े हैं। और कपड़े दिखा लियो, ऊपर की शटर्स मेरी हाइट नहीं पहुंचती इसलिए इसलिए ऐसी मेरे शटर्स है जैसे सबके थे। और फिर एक सबसे अच्छी चीज है, चाहे मेरे सुबह की लाइट चला या फिर रात को विंडो। क्या बात है, सही है सही है, इतनी दिखाएगा पूरी नहीं दिखा रहा। ठीक है, मेरा रूम बास्केटबॉल थीम पर है और मेरा रूम बास्केटबॉल थीम पर है इसलिए ये बेस्ट व्यू है सियान के रूम का। अरे ये लाइट तो जरा नहीं नहीं वो ये लाइट मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और ये आप बाइक भी देख सकते हो, बाइक बाइक की लाइट भी है बाइक। ओके, अब बारी है किसके रूम की? मेरे बड़ी आई। चलो गाइस अब चलते हैं हमारे रूम में, आ जाओ। देखा ये फर्क है गाइस, मैं बोलता हूँ हमारे, ये बोलती है मेरे। अच्छा। आप डिसाइड करना। ये देखो रहने से कुछ नहीं हो रहा, बातें कैमरा ऑन होते बदल जाती है। ये आ गया है हमारा रूम, टैन टैन सो कॉल्ड मास्टर रूम, जो कि छोटा हो चुका है। ये हमारा टीवी है, थोड़ा छोटा है बाहर से, और यहाँ पर हल्का छोटा है हमारी वॉच, हल्का छोटा कुछ नहीं होता। ड्रेसिंग छोटा नहीं होता। Would you like to tell about your dressing? I love this space guys, look at this beautiful round mirror जिसके आगे हमने पूफ रखा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। This small box which contains all my makeup stuff and this is my नकाशी हो रखी है और यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सबको लगा है ये हमारी वार्डरोब है, ये हमारी हाईलाइट है रूम की। देखो ये हमारी हाईलाइट है, ये हमारी वार्डरोब नहीं है गाइस, ये हमारी सिर्फ पैनलिंग है जो हमने पैनलिंग करवाई है। रात को सारी लाइटें बंद कर दो और सिर्फ ये लाइट्स ऑन कर दो। ओह माय गॉड, अगर आपको ये भी दिखाना ये भी दिखा सकते हैं क्योंकि आपके पास एबिलिटी है, एबिलिटी है जो कि इनके पास नहीं है इनके पास। तो ये हमारा यहाँ का व्यू है। तो एनीवेज कह रहे हैं गाइस एक और चीज, आप सोच रहे हो यहाँ पे फैन हैंग, लेकिन इस शैंडलियर में ही फैन है। शैंडलियर नंबर 5 4 इसके अंदर फैन भी है, इसके अंदर आप देख सकते हो ऊपर फैन घूम रहा है, इसके पंखे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके बाहर खुल जाते हैं। और हवा नहीं आती, हवा आती है। ओके, हवा भी आती है। हमारी वार्डरोब की हमने इस बात बनाई है वॉक इन वार्डरोब। ओके, वॉक इन क्लोजेट, ये है हमारी ट्रांसपेरेंट वन, इसके अंदर 90% क्लोथ्स मेरे हैं। अच्छा। और ये है हमारी वॉक इन क्लोजेट, इसके अंदर भी 90% मेरे हैं। ये छोटा सा एरिया पुनीत का है, बाकी ये दोनों बड़े बड़े एरियाज मेरे हैं। ऊपर भी मामा की, सारे मामा ऊपर भी मेरे हैं सारे। गाइस यहाँ पे सारे मामा के शूज भी हैं। हाँ, वो थोड़ा सा एरिया प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर रही हूँ धीरे धीरे करके, बिकॉज जहाँ आए अब इतनी सारी चीजें होती हैं, उसको बेस्ट यूटिलाइज्ड वे में कैसे रखना है। मैंने सेट किया फिर निकाला, फिर सेट किया फिर निकाला, मजा नहीं आया। फिर मैंने इसको और सोच के ऑर्गेनाइजर्स मंगा रही हूँ, सेट कर रही हूँ। जैसे मैंने मैंने फिर भी सेट नहीं हुआ, चलते मैंने अपने सारे शूज को वहाँ पर नीचे सेट कर दिया है। तो मैं आपको इसको पूरा सेट करके ना अलग 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 बना देना अम्मा। ये आ गया गाइस हमारा वॉशरूम एंड ड्रेन, हमारा बेडिंग एरिया है और ये कितना सुंदर है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे खड़े होके हम नहाते हैं। हेलो 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 हेलो, पूरी डेमो देना चाहेंगे? तो अब एक रूम रह गया गाइस हमारा दिखाना आपको, बताओ कौन सा? वॉशरूम बाथरूम। ये है हमारा शैंडलियर नंबर 5, इसको आप बोल सकते हो स्टेयरकेस एंट्रेंस शैंडलियर।
या बाथरूम के बाहर वाला शेड, ये वाली वॉल भी दिखा और ये है आप हमारा वॉशरूम देख सकते हो। ये हमने पूरा इस पे इस तरह की टाइल्स ली है पत्तों वाली ऑरेंज। गाइस देखो ये है वन ओनली द बेस्ट वॉशरूम, शायद ये मच बेटर है ये मेरा वॉशरूम। अरे जल तो रही है लाइटें और क्या जलाने। सबसे अच्छा मेरा वॉशरूम। तो ये वॉशरूम अनन्या और सियान का जॉइंट है। आपको स्टेयर केस भी दिखा देता हूँ। यहाँ से भी हम अगर हम लिफ्ट से नहीं आते तो हम यहाँ से आते हैं। तो ये हमारी फ्रंट स्टेयर केस है। ओके तो ये जैसे आप यहाँ से आओगे तो आपको ये वाली वॉल दिखेगी, ये वाला शैंडलियर दिखेगा जो हमने आपको दिखा दिया। ओके नाउ इट्स टर्न लास्ट बट नॉट लीस्ट किचन। कम लेट्स गो गाइस इन द किचन। एंड आप डेमो देना चाहोगे फ्रिज का? नॉक 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 ओनली टू टाइम्स। तूने तीन बार नॉक कर दिया ना, इसलिए तेरा डेमो गलत हो गया। तो ये इसका ठीक है गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ। इधर आओ, डेमो ऐसे होगा इसका, रुक जाओ। ऐसे है इसका डेमो, ये हमारा है नॉक नॉक फ्रिज। कर दो भाई साहब नॉक नॉक। यस, हमें फ्रिज खोलने की जरूरत नहीं है, ये दो बार खुलता है। आगे से भी खोल सकते हो इसको, सिर्फ इतना सा खुलेगा। और अगर आप खोलना है तो ये पूरा बड़ा भी खुल जाएगा। तो अगर आपको देखना है फ्रिज में क्या है तो आपको फ्रिज खोलने की जरूरत नहीं है, नॉक नॉक करो दिख जाएगा। यहाँ पे फ्रीजर भी है खाने का टूर नहीं दे रहे। किचन में आपको जैसे हाईलाइट बताना चाहोगे, किचन इन्होंने बनवाई है मैडम? यार किचन हमने बहुत सिस्टमैटिक बनवाई है। सो दिस इज द रोलिंग शटर जिसके अंदर सारे अप्लायंसेस हमने रखे हैं, सो दैट दे ऑल एंड दिस इज द माइक्रोवेव। सेंसर वाला चिमनी, थैंक यू। एंड यहाँ पर हमारे सारे बॉक्सेस है जो हमने अभी धीरे धीरे मैनेज अरेंज कर रहे हैं। किचन हम सेट कर रहे हैं एंड बहुत स्पेशियस बनाई है। पिछली बार से हमारी किचन काफी बड़ी है। हाईलाइट बताओ ना कि जो आपने अलग रखवाया है। और इस बारे हमने अपना जो वॉशिंग एरिया है सेपरेट कर दिया है। एक छोटा सा सिंक यहाँ रखा है जस्ट फॉर वॉशिंग द वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स। बाकी हम यहाँ शिफ्ट कर दिया है वॉशिंग एरिया को। जितना भी ये बर्तन धोने का सिस्टम है अलग सेपरेट, ताकि पूरी किचन हमारी गंदी नहीं होनी चाहिए। और कोई पार्टी हो कुछ हो तो बड़ा क्लम्सी हो जाता है, बर्तन ही बर्तन गंदे हो जाते हैं साइड पे। तो ऑल सॉर्टेड, बहुत चीजों को प्लान करके रखा है। तो ये था अच्छा यहाँ का रहेगा भाई साहब। ये सियान कुछ कहना चाह रहे हैं। वी हैव इनबिल्ट ओटीजी एंड माइक्रोवेव। यस, इनबिल्ट अलग से, हम मेरे काम ने इसी में सारा सेट करा दिया ताकि इसके अंदर ही खत्म करें अपना सारा काम। एंड गाइस हम कुकीज बना सकते हैं। अरे यार सब कुछ बना सकते हैं, वीडियोस बहुत लंबी हो गई है। वीडियो ये बहुत लंबी होगी। थैंक यू सो मच, आपने इतनी हिम्मत करी, पेशेंस रखी इतना लंबा वीडियो देखने के लिए। कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारे घर का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, सुंदर शैंडलियर कौन सा लगा, और इधर हो जाओ बेस्ट रूम कौन सा लगा। आप हमें कमेंट करके बताना, हम हर एक कमरे को डिटेल में आपको दिखाएंगे कि जनरली उसमें और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को हिट लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। कनाडा के अंदर सबसे ज्यादा मजे कैसे किए, वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 ब्लॉग्स पे। हमने मजे कैसे किए ये देखने के लिए क्लिक 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 क्लिक। बहुत अच्छी वीडियो है।